छोड़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज चर्चा करेंगे सारण लोकसभा सीट पर। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी कल नामांकन करने वाले हैं, यानी 2 मई को। हालांकि आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य नामांकन कर चुकी है। मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन चर्चा का विस्तार से करने जा रहे हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है सारण लोकसभा सीट से जुड़े हुए। हालांकि कंपटीशन काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार जीत हासिल करते हैं। ऐसे में इस बार की चर्चा में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, चर्चा विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आपसे यूं ही रहेगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य विदेशी गर्ल कह सकते हैं इस बार सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ कंपटीशन देख रहे हैं आप? क्योंकि एक जमाने में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का गढ़ अभी भी माना जाता है, लालू प्रसाद यादव वहीं से चुनाव लड़े हैं पहला, तो ऐसे में कितना भारी कंपटीशन आप देख रहे हैं अपनी नजर से? देखिए, ये भारी कंपटीशन तो है ही, मगर इसी के बीच एक जो आज बड़ी खबर आई है वह यह आई है कि चंद्रिका राय यानी लालू प्रसाद यादव के समधि, और इनका एक परिचय यह भी है कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर है। हाँ, ससुर है, नहीं उससे भी बड़ा परिचय यह है कि उनके पिता, उनके पिताजी यहाँ का मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, दरोगा प्रसाद राय जी। तो उसके बाद, और ये सदन भी गए हैं जी बहुत पुराने दौर में, मतलब 30-35-40 साल पहले भी विधायक। तो अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि उनके समधि हैं लालू प्रसाद यादव के, तो एक तरफ उनकी बेटी हैं और एक तरफ जो उनके समधि हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी के मतलब के लिए सपोर्ट में आ गए, सपोर्ट में आ गए, उनके लिए वोट बना रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं। और इन बातों को अगर वह मंच से अगर कहे तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए या उनकी बेटी जो उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य, तो उनके लिए नुकसानदेह यह हो सकता है कि वह सीधे तौर पर यादवों के बीच जाकर बोलेंगे कि वह हमारी बेटी को अपमानित करने का प्रयास किए हैं और अपनी बेटी को यहाँ पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो इन बातों को अगर वो पब्लिक में जाकर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को वह डैमेज करने का ही अब प्रयास करेंगे, क्योंकि एक कोई बेटी को जब उसका पति जो उनके साथ जिस प्रकार जो घटना हुई, फिर तलाक दे दिया गया और बेटी ने भी यह आरोप लगाया था कि उस घर में अपमानित किया गया, मारा पीटा गया और भी बहुत कुछ, तो मगर वो गुस्सा तो एक बाप के पास रहेगा ही, मगर पिछली बार जनता के बीच में भी है जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय सारण की बेटी है। और जैसा कि अभी दावा किया जाता है, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि सारण की बेटी रोहिणी आचार्य है जी, कौन बेटी है? पर अभी अभी तो वह विदेश से आई हैं जी, मगर वो जिस प्रकार से कम्युनिकेशन कर रही हैं अपनी आवाज में, मगही भोजपुरी और जिस प्रकार से मेहनत कर रही हैं, तो ये चुनाव के वक्त दिखा है, मगर वो इससे पहले सोशल साइट्स पे एक्टिव रहते थे, कोई भी बात अपने भाई तेज प्रताप तेजस्वी के लिए खड़े रहते थे, पापा मम्मी के लिए भी खड़े रहते थे, और विदेश में उन्होंने सेवा भी की है, उसके बदले में विवाद भी हुआ किडनी वाले मैटर पे, किडनी दिए किडनी ये दिए नहीं दिए, इस पर भी अब लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वह एक अलग विषय है। मगर अभी जो बातें हैं कि उनके समधि लालू प्रसाद यादव के समधि राजीव प्रताप रूढ़ी के नामांकन में भी जाएंगे और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, और ये बातें मंच से भी ये बोलने की प्लानिंग है कि ये बातें मंच से बोलेंगे कि जो आदमी अपने हमारे अपने बहू को नहीं, बहू की इतनी बेइज्जती की, वह कितना जनता के, तो इन बातों को वह कह के नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मगर अब ये बातें हैं कि लालू प्रसाद यादव के समर्थक पूरा एकदम तन मन से लड़ते हैं, तो वहां पर जब उनके समर्थकों को अगर वो ये बातें कहने में कामयाब हो गए तो ये एक आरोप उन पर भी यह लगता है, अगर पिछली बातों को अगर हम कंप्लीट करने से पहले बोले, एक आरोप यह भी उन पर लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी का शादी किया था तेज प्रताप यादव से खुद चुनाव लड़ने के लिए, ये भी बातें आई थी सामने, तो ये तो आम लोग बोलते ही हैं, और लोकसभा वो लड़े भी थे मगर अच्छा मत से हारे थे 1 लाख वोट से। अब राजीव प्रताप रूढ़ी का क्या है कि वहाँ रोहिणी आचार्य के माता और पिता से ही टक्कर हुआ है और वहाँ पर वो हारे भी हैं और हराए भी हैं, तो ये, और वो जो क्षेत्र था छपरा, छपरा लोकसभा अंतर्गत आता था, तो छपरा से लालू जी जेपी मूवमेंट के वक्त ही सांसद बने थे वहाँ, और उसी के बाद से उनकी राजनीतिक ग्राफ ऊपर चढ़ती गई, 90 मुख्यमंत्री बने। मगर अभी सारण क्या स्थिति ये है कि वहाँ पर जिस प्रकार से राजद के लोग ये कर रहे हैं तमाम चीजें, तो वो अपना बना रहे हैं अपना एक पकड़ वोट, और जो एम वाई समीकरण का जो फैक्टर है और मोदी विरोधी वोटों का जो एकजुट करने का प्रयास है वाम दलों का,
कांग्रेस का, तो वो अपना मिला रहे हैं। मगर यहाँ पर एक हमको बड़ा फैक्टर लग रहा है चंद्रिका राय यादव का, कि अगर उनके समर्थक, उनके पिताजी के जो समर्थक, मगर यहाँ पर यादवों का एक एक बात यह भी है कि यादवों का सबसे बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव है, तो कुछ गलत सही हुआ भी तो वो लालू प्रसाद यादव को ही नेता मानेंगे, चंद्रिका राय को नहीं मानेंगे। मगर फिर भी चंद्रिका राय अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाने के लिए, जो उनकी बेटी को साथ अपमानित किया गया है उसको लेकर। जी जी जी, राजीव प्रताप रूढ़ी पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2014 में रावड़ी देवी सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश की, जीत नहीं पाई थी वो, लेकिन 2014 में जीत और हार का मार्जिन कम था जी, 2009 में जीत और मार्जिन का कम था, 2009 के पहले वो दूसरा लोकसभा में था, तो लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, दो बार इस बार हैट्रिक मारने का सोच रहे हैं। हाँ, इस बार हैट्रिक मारने का सोच रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। तो राजीव प्रताप रूढ़ी हैट्रिक मारने का सोच रहे हैं, तो अब एक बात यह भी है कि उनको मंत्री मंत्रालय में नहीं शामिल किया गया, मंत्री थे मोदी जी के यहाँ, हटाए गए। फिर एक प्रकरण पिछले बार होता है एम्बुलेंस का हुआ था, तो एम्बुलेंस में उनके यहाँ लगा हुआ था एम्बुलेंस से बालू ढोने का, उनके उनके गाड़ी पर वो वायरल है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा था। राजीव प्रताप रूढ़ी का कोविड के समय एम्बुलेंस उनके हाथे में लगा हुआ था, उनके क्षेत्र में लगा हुआ था, जनता के लिए सेवा नहीं कर रहे थे, तो ये भी बातें आई है सामने। और ये भी बातें, वो तमाम क्लिप अभी भी वायरल हो रहा है, पप्पू यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे वहां पर जाकर विरोध में प्रचार कर रहे थे और टिकट नहीं दिए, पप्पू यादव ने ही जाकर खुलासा किया था और पूरा उन चीजों पर से पर्दा हटाया था कि एम्बुलेंस यहाँ है और जनता को ये लोग मरने के लिए छोड़ दिए, पूरा भौकाल हुआ था। तो उस समय राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ माहौल बना था, मगर 2-3 साल में संभवतः लोग भूल गए होंगे या भूल जाते हैं लोग, नए नए मुद्दे आते रहते हैं सप्ताह भर 10 दिन में, तो ये एक अलग बातें हैं। मगर राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर वहां पर जो 2 बार से वो जीत रहे हैं, तो उनको लेकर भी एक नाराजगी तो है ही, क्योंकि कोविड के समय में और जो एम्बुलेंस वाला जो मैटर था उस पर उनका बहुत ही किरकिरी हुआ था। अगर वो सभी चीजें अगर लालू परिवार अगर सामने लाएगी तो निश्चित तौर पर उनके भी परिवार को उस मामले में फायदा होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि मेरा मुकाबला इस बार सीधे लालू प्रसाद यादव से है, ना कि रोहिणी आचार्य से, रोहिणी आचार्य एक मुखौटा है, इस तरीके से बयान दिया है राजीव प्रताप रूढ़ी ने। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव भी सारण में स्पेशली अपनी बेटी के लिए, उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों के बीच गए, रैली किया सिर्फ बेटी के लिए, बाकी जगह वो नहीं पहुंचे, डर है क्या, क्या खौफ है क्या कि सारण का लोकसभा सीट इस बार कहीं खिसक ना जाए? देखिए, डर तो रहेगा ही ना, डर इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं है जी। ये अब यहाँ पर एक भी जीत जाते हैं तो वह उनके लिए बड़ी बात है, और वो भी उनकी बेटी, जो बेटी को कहा जा रहा है किडनी दी है, जो डेब्यू की है इस बार, एक बेटी लड़ी है तो 2-2 बार हार गई है, उन्हीं के पार्टी के नेता से जिनको भाजपा ने टिकट दिया था, रामकृपाल यादव को। तो अब यहाँ पर रोहिणी आचार्य के लिए 2-2 चीज बचाना है, एक पापा का भी गढ़ बचाना है और एक अपना पॉलिटिकल भी उसको चमकाना है, सेट करना है। बिल्कुल। तो अब राजनीति में कहा जा सकता है ये लड़ाई कोई अभी का लड़ाई नहीं है राजीव प्रताप रूढ़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी के साथ, ये लड़ाई 25 साल पुराना है। जब वो पहली बार विधायक बड़ा कम उम्र में जीत के आए थे 90 के दौर में, फिर सांसद 96, फिर वाजपेयी कैबिनेट में भी मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, मतलब युवावस्था में ही, आज से 20-22 साल 25 साल पहले ही। तो राजीव प्रताप रूढ़ी से लड़ाई बहुत पुराना चल रहा है और उनके कार्यकर्ता भी जमीन पर खूब लड़ते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थक और लालू प्रसाद यादव के भी समर्थक, एकदम दुश्मनी है तो है, डन बात है, उस पर कोई ये नहीं होता है। मगर अब चुनाव है, अब यहाँ पर वो जिस जाति से आते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, राजपूत जाति से, तो राजपूत जाति में ही एक राबड़ी देवी के भाई हैं सुनील सिंह, तो वो वहां पर कर रहे हैं मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट वो देख रहे हैं। हाँ, सारा तो वो जब देखते हैं सुनील सिंह, तो कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर कुछ कन्वर्ट करा पाएंगे। मगर जब सामने राजपूत उम्मीदवार रहेगा तो संभवतः बिहार में जातीय समीकरण को भेदना ये बड़ा बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है जी। और वो भी जो पिछले 2 बार से सांसद जीत कर आता रहा, और यहाँ पर केवल राजीव प्रताप रूढ़ी वहां पर अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी का था कि एक बार जीते तो एक बार हारे, एक बार जीते तो एक बार हारे, और 2-2 बार जीते, 14 में कम मतों जीते, 19 में कई जगहों पर ज्यादा मतों से जीते, 19 में तो एक मोदी, वो जो वहाँ मोदी का जो एक चेहरा है उसके नाम पर भी वोट है, ठीक है। राजीव प्रताप रूढ़ी से कई लोग उग गए, कई सांसद तो 2014 में ऐसे लोग बन गए थे जो कभी
तक आज तक गए ही नहीं थे। बिहार में विधायक थे और पहली बार सांसद बनने का ही मौका दर्जनों भर से ज्यादा लोगों को मिला था 14 में। 19 में भी कई कई लोगों के साथ यही हुआ, 14 वाले ही कई लोग रिपीट हो गए। तो वो बातें हैं, मगर राजीव प्रताप रूड़ी का वहां पर कह सकते हैं कि 25 साल से लड़ाई चल रहा है लालू प्रसाद, लालू परिवार से ही पूरा। कभी पति को पति से हारते हैं, कभी पत्नी से हारते हैं, कभी पति को हरा देते हैं, कभी पत्नी को हरा देते हैं, मगर पिछली बार का जीत और हार का मार्जिन इतना ज्यादा है कि राजद को बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं रविकांत जी, चलते हैं। जैसे कि राजनीतिक में कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, चंद्रिका राय पर आते हैं हम, कि 2019 में राजीव प्रताप रूडी का सीधा टक्कर हुआ था चंद्रिका राय से, लेकिन इस बार सपोर्ट में आना, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमें मिल रही है कि सीधे टक्कर में आना, क्या कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही है? ये सीधा सीधा लड़ाई लालू प्रसाद यादव से ही जोड़ के देखा जाए या और भी कुछ खासा वजह रह सकती है? पिछली बार से वक्त बदल चुका है, जो उस तरफ थे वो इस तरफ है जी। अब समझ लीजिए, जो पिछली बार का उम्मीदवार थे वह इस बार का उधर नामांकन करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर लड़ाई ही पूरा चेंज है। लड़ाई है कि भाई सोचिए, जो उस वक्त का उम्मीदवार हैं वो इस वक्त का उनके प्रस्तावक, मतलब कि नामांकन के वक्त वहां पर उनके सपोर्ट में खड़ा है, गार्जियन बन के खड़ा है जी। तो आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन हो चुका है। अब वो दौर नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के लिए चंद्रिका राय खड़े रहेंगे, उनकी बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो वो बाप कभी भी खड़े नहीं रहेंगे उनके साथ। और इन बातों को वो कई बार कई मंचों से वो कह चुके हैं। कई बार जब ऐश्वर्या राय, जो उनकी तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, तो वो तो घर के बाहर ही बैठ गए थे और काफी आक्रोशित में भी कई बातें चंद्रिका राय ने कही थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये वक्त है सही बदला लेने का उनसे, किसी का समय जैसे कह सकते हैं, तो अभी समय चंद्रिका राय का अभी आया है। उनके खिलाफ बोले, उन अपना बेटी का कैसे, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार ने जो महिला सम्मान और ऐसी तमाम बातें चीजें उल्लेखित करते हैं, उन चीजों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके उनको घेरें और उनको घेरें और उनको हरवाएं चुनाव में। ये पूरा मकसद इस चुनाव और उस चुनाव का यही अंतर है जी। आपने एकदम सही कहा, वक्त किसी का भी आ सकता है, वक्त का पलड़ा जहां भारी हुआ कुछ भी बदल सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चुनावी मुद्दों को लेकर आपकी क्या कुछ राय विचार है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में वो भी लिखिए, ताकि हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा कर सके। हालांकि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।